को लेकर करीब 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने बिहार आए हैं। स्वाभाविक तौर पर सबसे अधिक बोझ राजधानी पटना पर है, जहां अभ्यर्थी रात को सर छुपाने के ठिकाने की तलाश में हैं। सर यहां रहने की दिक्कत है, और जैसे आप देख ही रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, यूपी के लड़के आए अलग अलग स्टेट से, और बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को खाने की, पीने की, बैठने की, रहने की बहुत सारी दिक्कतें, तमाम तरह की। होटल वगैरह नहीं मिला? होटल बहुत सारे बुक है, होटल की व्यवस्था नहीं है। होटल जो है भी तो डबल चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे उसमें। आप यहाँ बिताएंगे? आपको अब रात ही इस तरह यही बिता लेंगे, सुबह एग्जाम है हम लोग का, सुबह देखिए निकल जाएंगे। इसी क्रम में लगभग 20,000 अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ कटिहार पहुंचे हुए हैं, जिसके चलते जिले के सभी होटल और अतिथिशाला अभ्यर्थियों से भर गई हैं। इस वजह से हजारों की संख्या में बेबस अभ्यर्थी कटिहार रेलवे स्टेशन पर रात बिताने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता ने देर रात में अभ्यर्थियों की परेशानी का जायजा लिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि सभी होटल और अतिथिशालाओं में जगह भर जाने के कारण उन्हें रुकने के लिए स्टेशन पर रात बितानी पड़ रही है। परेशानी तो इतनी हो रही है, वहाँ बैठो तो वो महिलाएं हैं, महिलाओं की परेशानी नहीं समझ रही, वहाँ से भगा रही है, यहाँ यहाँ से भगा रही है, वहाँ जैसे लग रहा है कि मतलब कोई नौकरी पा गया है तो वो सर्वे सर्वा है, और कोई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है तो कुछ भी नहीं है। ज्यादातर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के हैं। इस वजह से दूसरे दिन भी परीक्षा होने के कारण वे रात में स्टेशन पर ही रुक जाते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती की घोषणा तो कर दी है और परीक्षाएं भी ली जा रही हैं, लेकिन न तो परीक्षा केंद्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था है, न ही छात्रों की दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। सर परेशानियां तो बयां नहीं कर सकते कितनी परेशानियां हैं सर, क्योंकि आयोग को भी ये पता है, हमारा डिटेल सारा उनके पास है कि बच्चे कहाँ से फॉर्म भरे हैं और उनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एग्जाम की। वो हम लोग का एग्जाम एकदम इस पश्चिमी में डाल रहे हैं, और पूर्वी सर है जो यहाँ कटिहार एकदम पूर्वी इलाका है बिहार का, वहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, और फिर आने की इतनी प्रॉब्लम है, सब कुछ है, किसी तरह कोई आया है, कैसे आया है ट्रेन, वो कैसे जीत रहा है, वो तो इसी का हो रहा है। तो सुबह शाम में पेपर करा के खाली किया जाता है, ये पेपर दो दिन कराया जा रहा है। क्या सरकार को यहाँ के आर्थिक व्यवस्था बनानी थी, क्या जरूरत थी कि नहीं बाहर से बच्चे आएंगे, दो दिन रुकेंगे, होटल है, सब कुछ सब बुक हो गए, जो कल के आए हैं बच्चे वो सब ले लिए हैं। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।